अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या पैन कार्ड टूट गया है, आपके पास पैन नंबर है या पैन कार्ड का फोटो कॉपी है, तो केवल पैन नंबर से आप घर बैठे पैन कार्ड को आप एक ओरिजिनल पैन कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड के रूप में घर बैठे मंगा सकते हैं। जैसा कि आपके पास एटीएम होता है, तो एटीएम के जैसा ही आप पैन कार्ड घर पे मंगा सकते हैं। तो पैन कार्ड मंगाने के लिए इसमें मैं आपको सारा जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरे यहाँ पर चैनल है, यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करें डिजिटल जोन रोशन, यहाँ पर आपको सारा जानकारी मिलेगा। आपको सभी ऑनलाइन ऑनलाइन से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड आपको सारा जानकारी हमेशा मिलते रहता है, तो यहाँ पर आप सभी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, मैं यहाँ पर आपको पैन कार्ड को रीप्रिंट करने के लिए बता रहा हूँ कि पैन कार्ड को रीप्रिंट कैसे करें, यानी कि पैन कार्ड को घर पे बाय पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप कम खर्च में कैसे मंगा सकते हैं एक प्लास्टिक कार्ड के रूप में, यानी कि पीवीसी कार्ड के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाला वेबसाइट आपको सर्च कर लेना है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रीप्रिंट पैन कार्ड यूटीआई लिखा हुआ है, तो आपको आना है। यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं या तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रोसेस करना होगा, लेकिन यहाँ से आपको कम प्रोसेस करना होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ से आपको बता दूँ, फैसिलिटी फॉर रीप्रिंट पैन कार्ड। चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। पेज आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद कुछ डिटेल आपको फिल करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको पैन नंबर इस वाले बॉक्स में फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर इस वाले बॉक्स में फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर मंथ और ईयर, जैसे आपके आज है 22 फरवरी 2022, तो यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर 02/2022 डालेंगे, यानी कि 02 कहने का मतलब कि फरवरी, तो यहाँ पर आपको 02 यानी कि मंथ और केवल ईयर डालना है। इसके बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर आपको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर ये वाला कैप्चा इस वाले बॉक्स में फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो चलिए मैं आपको डिटेल फिल करके शो कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना सारा डिटेल फिल कर चुका हूँ, जैसे कि मैं आप सभी को वीडियो में बताया हूँ। जैसे यहाँ पर पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद कैप्चा इस वाले बॉक्स में फिल करके यहाँ पर सबमिट कर लेना है। अगर आपको पैन कार्ड प्रिंट करते टाइम आपको इस तरह का आपको मैसेज अगर पॉपअप आता है, यहाँ पर लिखा हुआ था डियर अप्लीकेंट एज योर रिकॉर्ड योर लेटेस्ट प्रोसीड थ्रू एनएसडीएल हैंड्स, यानी कि कहने का मतलब है कि आप जो पैन कार्ड बनवाए हैं आपको एनएसडीएल के माध्यम से बना है, यानी कि पैन कार्ड आपको दो वेबसाइट से बनता है। जैसे पहला हो गया आपको ये फैसिलिटी फॉर यूटीआई यानी कि यूटीआई के माध्यम से, और दूसरा होता है यहाँ पर एनएसडीएल के माध्यम से। तो अगर आपका इस तरह से अगर पॉपअप आता है अगर यूटीआई में, तो आप अपना ये एनएसडीएल के माध्यम से रीप्रिंट पैन कार्ड करेंगे। अगर आपको एनएसडीएल से अगर पैन कार्ड रीप्रिंट अगर करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर आपको यूटीआई के माध्यम से बता रहा हूँ कि यूटीआई के माध्यम से कैसे प्रिंट करना है, तो उसका मैं आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर रिकॉर्ड को इसे हटा लेता हूँ, और हटाने के बाद इसको मैं आपसे फिर से पैन नंबर, आधार नंबर सभी डिटेल डाल के यहाँ पर सबमिट कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डिटेल फिल कर चुका हूँ, इसके बाद सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल ओपन हो जाएगा। तो आपका डिटेल इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको बोला जाता है प्लीज़ वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको पैन नंबर आएगा यहाँ पर मिलाने के लिए, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिए होंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर शो कर जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो ईमेल आईडी होगा ईमेल आईडी यहाँ पर शो कर जाएगा लास्ट डिजिट, और यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस आपका शो कर जाएगा, जिस एड्रेस पर आपका पैन कार्ड घर पे जाएगा रिप्रिंट होकर, यानी कि एक फिजिकल पैन कार्ड, यहाँ पर आपका एड्रेस सभी डिटेल्स शो कर जाएगा। एड्रेस शो कर जाने के बाद यहाँ पर ये कैप्चा लिखा गया है, तो इस वाले कैप्चा बॉक्स को इस वाले बॉक्स में फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ओटीपी का मोड है, यहाँ पर कि आप ओटीपी कौन पर मंगाना चाहते हैं, मोबाइल पर मंगाना चाहते हैं या ईमेल आईडी पर मंगाना चाहते हैं या दोनों पर मंगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कोई एक ऊपर यहाँ पर मंगाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, दोनों पर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है समस्या, तो आप पहले आप क्या करेंगे, आप ईमेल आईडी पर केवल या तो मोबाइल पर मंगाएंगे। तो चलिए मुझे यहाँ पर आसान पड़ेगा मोबाइल पर, तो यहाँ पर मोबाइल वाला सेक्शन है, यहाँ पर इस वाले चेकबॉक्स है यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक चेकबॉक्स है यहाँ पर टिक लगाएंगे। इसके बाद नीचे एक सबमिट का सेक्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर एक गेट ओटीपी का सेक्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं आपको डिटेल वेरीफाई करके आगे का प्रोसेस शो कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर डिटेल इस तरह से यहाँ पर डाल चुका हूँ। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ पर मोबाइल पर केवल। इसके बाद यहाँ पर आई एग्री वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो
ओटीपी आपको इस तरह से सेंड हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया कि ओटीपी सेंड योर मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला गया होगा। यहाँ पर ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर डिटेल मिलाने के लिए आ जाएगा कि यहाँ पर पैन नंबर और मोबाइल नंबर और साथ में पिन कोड। इसके बाद यहाँ पर जो इंटर ओटीपी है, यहाँ पर ओटीपी डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर सबमिट का सेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ओटीपी डाल चुका हूँ, इसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे वहाँ पर ओटीपी आप अगर फिलअप कर लेंगे तो ओटीपी फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा। आपको पेमेंट, आपको यहाँ पर ₹50 यहाँ पर पेमेंट कटेगा। और यहाँ पर किस डेट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डेट दिखाया जाएगा और किस मेथड से कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालना है। आप जो पेमेंट करेंगे उनका यहाँ पर आप डालना है। जैसे मैं पेमेंट यहाँ करूँगा तो मैं अपना यहाँ पर डिटेल डालूँगा ताकि मेरा पेमेंट का रिसीविंग हो, इस पर मुझे प्राप्त हो। तो जो और इसके बाद आपको क्या करना है कि बिल डेस्क वाले पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक चेकबॉक्स, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करना है। पेमेंट करने का मेथड यहाँ पर दिखाया गया है कि किस मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे फ़ोनपे, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, जो भी होगा आप उससे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप एक्सेप्ट यहाँ पर है डेबिट कार्ड भी, मास्टर कार्ड भी, सभी से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पेमेंट करके शो कर देता हूँ। मैं अपना यहाँ पर सारा डिटेल फिल कर दूँगा। फिल करने के बाद कंफर्म पेमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपका मेथड है पेमेंट करने का, आप सभी मेथड में से कोई चुन सकते हैं। जिसमें मुझे यहाँ पर आसान पड़ेगा क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर क्यूआर कोड वाले सेक्शन पर क्लिक करूँगा। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भीम यूपीआई का सेक्शन, इसके बाद मेक पेमेंट है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपका यूपीआई नंबर है तो यूपीआई नंबर यहाँ पर डाल के आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यूपीआई नंबर डालेंगे, इसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। या तो आपके पास यूपीआई नंबर नहीं है, आप क्यूआर कोड स्कैन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और यहाँ पर पेमेंट कर लेंगे ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करने के, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको पेमेंट करके मेथड शो कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपको घर पे आपको आपका जो पैन कार्ड है आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आ जाएगा। कार्ड का रिसीविंग प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर पैन कार्ड का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर मुझे मिल चुका है। यहाँ पर पैन नंबर यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर पैन का मोड एप्लीकेशन है रीप्रिंट, और यहाँ पर सभी डिटेल दिया गया है। यहाँ से आप अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे, जिसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि पैन कार्ड आपका कहाँ पहुँचा है। तो चलिए मैं रिसिप्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। इस तरह से मुझे यहाँ पर रिसिप्ट डाउनलोड हो चुका है, जैसा कि आपको यहाँ पर सिस्टम पर शो कर पा रहा होगा। तो यहाँ पर मुझे रिसिप्ट प्राप्त हो चुका है यहाँ पर सभी डिटेल का। और आप इस वाले जो रिसिप्ट नंबर है यहाँ पर जो आपको शो हो पा रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे यहाँ पर आपको रिसिप्ट नंबर, एप्लीकेशन नंबर है, इसके माध्यम से मैं चेक कर सकता हूँ स्टेटस, मुझे पैन कार्ड कहाँ पर पहुँचा है। तो यही थी डिटेल। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।